हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेरे चैनल कॉल मी पांडे जी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा कि किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं इसी टाइप के वीडियो डालते रहता हूँ, और अगर सर्विस डेस्क से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वर्सल टेस्ट से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको जॉब चाहिए सर्विस डेस्क में नॉन आईटी फील्ड में, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे, कमेंट कर सकते हो मेरे चैनल पे किसी भी एक वीडियो पे, या आप मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। साथ ही साथ मैं इंग्लिश प्रैक्टिस का भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश जो कम इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है, आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको इंग्लिश आता है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है, आप सामने बोल नहीं पाते हो किसी के, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ और एक सेशन कंडक्ट करता हूँ जो कि प्रैक्टिकल सेशन होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशन। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वो सेशन ज्वाइन करना है, अगर आपको वो सेशन करना है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं। और आपको ईमेल करना है सिर्फ abhinagpur16@gmail.com। सारा जानकारी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी टाइप के वीडियो आपको मिलते रहे रेगुलरली। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएस प्रोफाइल के बारे में। पूरा जो ये वीडियो है वो बीपीएस प्रोफाइल के बारे में रहेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, मैंने वर्सेट के ऊपर बनाया, मैंने जॉब सर्विस डेस्क के ऊपर बनाया, बट बीपीएस के ऊपर नहीं बनाया। तो ये जो वीडियो है ये बीपीएस के ऊपर है। इसमें मैं बताऊंगा कि बीपीएस में ना, बीपीएस के जो इंटरव्यूज होते हैं या फिर उस जॉब के लिए आपको किस चीज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखो, बिकॉज एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करना। जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी डाला है 2 दिन पहले कि TCS में अभी 14 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू है बीपीएस प्रोफाइल के लिए, जो कि फ्रेशर के लिए है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और वो वीडियो देखो, आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप बीपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रिपरेशन करूँ, लाइक क्या पूछा जाएगा, तो मैं उसी पे बात करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले बता दूं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, है ना, जॉब लेने का प्रोसेस क्या है। तो जॉब लेने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दो ही है, द फर्स्ट इज रिटेन एग्जाम। सो रिटेन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू, बस दो ही राउंड है। दो राउंड के बाद जो फाइनल होता है वो एचआर राउंड, लाइक नॉर्मली कॉल आता है और लाइक आपका जो भी सैलरी वगैरह है वो डिस्कशन होता है, बट ये दो मेन राउंड है और इसी दो राउंड के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले शुरू करता हूँ पहले राउंड के बारे में। सो जो पहला राउंड है वो है एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आपको देखो, मैंने बात किया बहुत सारे 2-3-4 बच्चों से बात किया इसी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम जो होता है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि एग्जाम होता है बट किस चीज का एग्जाम होता है, क्या क्वेश्चन आते, किस टाइप के क्वेश्चन आते, तो मैं वही क्लियर करने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो 80 होती है, और जो टाइम दिया जाता है आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाता है। 65 मिनट लाइक कम है मेरे हिसाब से, वो आगे पता चलेगा आपको क्यों कम है, बट 65 मिनट दिया जाता है और उसमें आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जो पासिंग मार्क है वो भी बताऊंगा, बट उसके पहले बताता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिक, वर्बल और रीजनिंग, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें भी क्राइटेरिया है, न्यूमेरिक कितने परसेंट रहेगा और वर्बल कितना रहेगा और रीजनिंग कितना रहेगा, तो वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जो न्यूमेरिक रहेगा वो 26 क्वेश्चन रहेगा और उस 26 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं बता रहा था कि न्यूमेरिक में थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए था। 20 मिनट में 26 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको जल्दी करना पड़ेगा, वो ऐसा है। उसके बाद बात करते हैं वर्बल का, तो वर्बल में 24 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 20-20 मिनट दोनों के लिए। जो लास्ट है रीजनिंग, रीजनिंग में बाकी का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग में रहेगा और उसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे।
25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है क्वेश्चन का कि किस टाइप से और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब सेम क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप सबको पता है, वो मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्ट और क्या आने वाला है, बट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि BPS जो है वो स्टार्टिंग लेवल का जॉब है। तो आप नॉर्मली अगर रीजनिंग वर्बल और न्यूमेरिक देख लोगे ना तो आप क्लियर कर लोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पासिंग मार्क कितना चाहिए। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 70% के ऊपर जो है वो परसेंटेज लाने पड़ेंगे। लाइक 70 के ऊपर अगर आपका परसेंट है तो आप इसको क्लियर करोगे और फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे। जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा इंटरव्यू राउंड, वो होगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो मैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड के बारे में बताऊंगा, मैं ऐसे खाली नहीं जाने दूंगा आपको, इस भी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप वीडियो पूरा देखो, एक भी पार्ट मिस मत करो। देखो दोस्तों, जो इंटरव्यू है ना वो बेसिक्स रहता है, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं और बहुत ज्यादा लो नहीं, नॉर्मल। बेसिकली इनका जो पर्पस है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करना, लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये काम जो है वो पूरा कम्युनिकेशन स्किल का है, आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन इम्प्रूव करना चाहते हो, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ 24-25 मिनट का सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप कम से कम 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो क्लियरली, फ्लुएंटली, अगर आप वो फॉलो करते हो तो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको थंबनेल जो है वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आप जाओ और उसको फॉलो करो, अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड करो, क्योंकि वो सबसे मेन चीज है इसमें इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डू यू वांट ज्वाइन TCS, या फिर जिस कंपनी के लिए दे रहे हो आप उस कंपनी का रहेगा नाम, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, लाइक 27 क्वेश्चन का वीडियो है। अगर उसमें ये भी है कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको जाओ विजिट करो, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब उस वीडियो में भी मिल जाएंगे। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और थंबनेल आपको दिख रहा होगा, आप जाके ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आप देख सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, लाइक मोस्ट ऑफ द केस में, कि हाउ टू हैंडल थिंग्स इन प्रेशर, प्रेशर में चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे करोगे आप उस सिचुएशन दे देंगे, इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है 27 क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको। तो इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा आपका आपके एकेडमिक के बारे में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर लाइक आपके स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में, ओके कोई टॉपिक दे देंगे आप इसके बारे में बोलो। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। तो यही एक था मोटिव मेरा बताने का कि आपको BPS के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में भी बताऊँ। ये वीडियो उसी के लिए है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो मैंने बात किया लोगों से और मुझे ये पता चला तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है प्लीज आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसको भी ऐड करने का। और अगर सही है, अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो आप इसको लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि आपके दोस्त, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स उनको भी ये वीडियो दिले और उनको पता चले कि BPS क्लियर कैसे करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।